सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? इनकॉग्निजिबल ऑफेंस, इनकॉग्निजिबल ऑफेंसेस मतलब क्या? कॉग्निजिबल ऑफेंसेस मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ नहीं, कॉग्निजिबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल माने अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजिबल मतलब जो बड़े बड़े गुनाह रहते, बड़े बड़े जो कामा रहते, जो ऑफेंसेस रहते, उसको क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विदाउट वारंट। वारंट सर, एक कॉग्निजेबल और एक इनकॉग्निजेबल का एग्जाम्पल दीजिए ना। कॉग्निजेबल माने मर्डर। कॉग्निजेबल ऐसे है जो बहुत ही बड़े बड़े रहते, मर्डर, रेप, ये क्या है? पूरे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। मतलब तो अपने आईपीसी में सर शेड्यूल 1 बोल के है, ओके यस जिसमें जिसमें अगर जल्दी नहीं पकड़े तो भाग जाने का चांस रहता, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। समझ आ ओके रहा? सर, ये चोरी थेफ्ट ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता। एक रहता कॉग्निजेबल, एक रहता इनकॉग्निजेबल। देखो ये इनकॉग्निजेबल है माने कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये क्या रहता? नॉन कॉग्निजेबल एक रहता। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड ग्रुप में देखिए, मैं डाल रहा हूं फिर से। नो कॉग्निजेबल प्रॉब्लम। ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब, नॉन कॉग्निजेबल मतलब कर नो अरेस्ट, नो सकते क्या? अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक विदाउट वारंट है, कॉग्निजेबल मतलब व्हाट इज कॉग्निजेबल? बड़े ऑफेंसेस लाइक मर्डर, पुलिस मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है वो बोलो, मैं कुछ स्क्रीन पे है वो बताइए। ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल मतलब नो अरेस्ट वारंट विदाउट अरेस्टिंग वारंट। विद वारंट, ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकता इनकॉग्निजिबल ऑफेंस में। नॉन नॉन कॉग्निजेबल बोलो, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल, नॉन ठीक है, ये मैं आपको इमेज भेजा दिया, देखिए ग्रुप में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ओके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब नो ए पुलिस विदाउट ऑफिसर में वारंट अरेस्ट अरेस्ट। विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब शैल नॉट नॉट अरेस्ट विदाउट विदाउट वारंट, वारंट। नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। समझ सर आ गया? यस और नो? यस सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट मतलब क्या? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब बंद कमरे में जब कोर्ट क्या करता, किसी पब्लिक को अलाउ नहीं करता हूं कोर्ट। नॉर्मली क्या है कोर्ट? क्या है? वी हैव ओपन कोर्ट सिस्टम। ओपन क्या बोलते हैं उसको? आप जो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपना सिस्टम क्या पूरा ओपन कोर्ट सिस्टम है। समझा? लेकिन थोड़े केसेस रहते जो बहुत ही क्या बोलते हैं वो रहते, इट्स अ प्राइवेसी वेरी वाला। सेंसिटिव केसेस रहते, लाइक मर्डर केस है, रेप केसेस है, बहुत ही सेंसिटिव केसेस रहते। तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए कोर्ट क्या करती? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कराती। क्या करती? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? प्राइवेट हियरिंग, बंद कमरे में जो हियरिंग होती है उसको बोलते हैं प्राइवेट, प्राइवेट हियरिंग। कोर्ट लैंग्वेज में। तो अगर क्वेश्चन आया प्राइवेट हियरिंग का मतलब,
इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब प्राइवेट हियरिंग, प्राइवेट हियरिंग। पब्लिक हियरिंग माने ओपन टू ऑल। ठीक ओपन कोर्ट। है, कल मैं एक वीडियो भेजा था, शॉर्ट भेजा था ग्रुप में, देखे आप। कोर्ट उसमें जब जज साहब एंटर होते तो उन्हें तेलुगु में क्या बोल रहा हूं, द कोर्ट इज ओपन टू ऑल, अंदर ही कोसम, कोर्ट ओपन हिंदी बताया उन्हें। सुने वो वीडियो, शॉर्ट है वो, सर, उसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग, बहुत इट इज कॉल्ड पब्लिक हियरिंग। ठीक है, सो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब हियरिंग, प्राइवेट हियरिंग। प्राइवेट हियरिंग मतलब इन कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट, एक्सट्राडिशन। व्हाट इज एक्सट्राडिशन? एक्सट्रैडिशन, एक्सट्राडिशन मतलब कौन कौन इधर स्कूल को जाने रोते थे, हम नहीं रोए। कभी भी नहीं रोए। अच्छा, नहीं रहे सर। कौन कौन स्कूल को अच्छा, जाने, स्कूल को जाने से पहले अपने दादी नानी के पीछे जाके छुप जाते थे? नहीं वाला सर, भी देखिए नहीं देखिए। कोई भी नहीं, तो शरीफा थे इधर, तो कुछ गलत है वैसा बोले होमवर्क तो। था ना सर स्कूल। तो व्हाट इट इज देयर, अपने देखिए फॉर एग्जांपल अपना इंडियन है विजय माल्या, पहचानते हैं विजय माल्या को? हाँ सर, इस पहचान हमारे गली रहते गली में रहते, सो विजय माल्या, ललित मोदी, इन लोग किधर को पूरा पैसा खा के भाग गए लोग। यस सर, इन लोग क्या सर करे, इंडिया में पैसा खा लिए पूरा, किधर भाग गए, दूसरे कंट्री में भाग गए। दूसरे कंट्रीज में भाग लेकिन इंडिया में तो लोग ऑफेंसेस करे, जुर्म करके गए। हाँ भागे, तो उन जी, लोगों को अब इंडिया में लाके पनिशमेंट देना। ओके okay. वो बाहर कंट्री, दूसरे कंट्री से इंडिया में पकड़ के लाने को बोलते हैं एक्सट्राडिशन। बाहर के सर, वंस रिपीट। इंडियन सिटीजन्स है, ओके, इंडियन सिटीजन्स है, ललित मोदी भी है, ललित मोदी इज फॉर क्या बोलते हैं आईपीएल का जो स्टार्ट करा था, उन्हें भी इधर ही है। नीरव मोदी इज अ डायमंड मर्चेंट। स्पोर्टिश ललित मोदी जो आईपीएल स्टार्ट करा था उन्हें भी इंग्लैंड में है। टू कंट्रीज। समझ आ रहा? तो सर अब इन लोग, अब मतलब सबको मालूम है ना, इन लोग ऐसा लूट के भाग गए बोल के, तो हाँ, उन लोग जो कंट्रीज में अब है तो वहां से उन लोग को अरेस्ट करके नहीं ला सकते इंडिया में। वहां से, वहां का कानून अलग है ना, ओके वहां का कानून उधर का कानून बोलता, प्रोसेस अलग, हमारा प्रोसेस अलग बोलता हूँ। तो पूरा उन लोगों के कानून से मैच होके अपना कानून दिखा के उन लोगों को म्यूचुअल एग्रीमेंट करके पकड़ के लाने, क्या बोलते हैं एक्सट्राडिशन, म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग करके। तो कर। ट्रांसपोर्टेशन यस, ऑफ द एक्यूज्ड और ऑफेंडर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फॉर वर्किंग टू कंट्रीज। कौन आ रहा? कंट्रीज। मेरा पॉइंट, यस सर, यस एक्सट्रैडिशन किसको बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एक्यूज्ड विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आपका होमवर्क क्या है, इंडिया के साथ, इंडिया कौन से कंट्रीज के साथ एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट में है वो मालूम करो। इसके बोलते ओके एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट माने अगर अगर कोई दूसरे कंट्री से इंडिया को भाग के आया तो इंडिया वाले और वो कंट्री से इंडिया वाले भेजते क्या, और अपने इंडियंस कोई दूसरे कंट्री में गए तो उसको पकड़ के लाने के लिए कोई एग्रीमेंट है क्या वो कंट्रीज के साथ, इंडिया के, इंडिया से किस कौन से कंट्रीज के साथ एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट है, वो आपका होमवर्क रहता, मालूम करिए। समझ आ रहा? ओके यस सर, और नो? ओके सर। ओके, तो फिर कल
क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लास में गायब, होमवर्क दिए बोले। कल पूछते सबसे पहले यही पूछना, होमवर्क क्या है? जैसा होमवर्क याद आया एग्जिट। नहीं होता सर यहाँ पे लेकिन मैं ट्वेंटी ऑनलाइन से क्लास का प्रॉफिट। अब मैं जब होमवर्क दे रहा हूँ, 27 पार्टिसिपेंट्स है इंक्लूडिंग मी। सर ओ कल एग्रीमेंट, कल होमवर्क पूछे जाने कितने जने एग्जिट होते वो देखो। ओके खुद ही बोले सर तो आप नेटवर्क भी करते प्रॉब्लम। क्या होमवर्क, बोले? आप भी करते होमवर्क। मैं होमवर्क करके आके बैठे तो मैं पढ़ा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। दिए सर होमवर्क करते हैं अपने करना है और मैं होमवर्क करके आया तो आपको जवाब दे सकता हूँ। होमवर्क। अगर मैंने ओके करके आया तो नेटवर्क प्रॉब्लम। रहा सर जूम बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, या तो कुछ भी आवाज नहीं आती, म्यूट हो जाते। समझ में आ गए? व्हाट इज यस एक्सट्राडिशन? सर ट्रांसपोर्टेशन यस सर ऑफ द एक्यूज्ड और ऑफेंडर विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विद टू स्टेट्स म्यूचुअल एंड द अंडरस्टैंडिंग सिटीजंस ऑफ बिटवीन द कंट्री, टू कंट्रीज। तो बोलते हैं एक्सट्राडिशन। यस सर नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। ए रिट बाय, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ए रिट A बाय writ by कोर्ट court टू to ए a person पर्सन or और body of बॉडी ऑफ person पर्सन पढ़े तो पूरे एक साथ पढ़ते हैं ना, तो दो भी नहीं पढ़ते। एक जने एनआईटी। पढ़िए। ए रिट बाय कोर्ट टू ए पर्सन आ बॉडी ऑफ पर्सन टू कंपेल इट टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी इज डैश। इस डैश रिट मतलब व्हाट इज अ रिट? कोर्ट ऑर्डर। रिट माने तो कोर्ट ऑर्डर। रिट को क्या बोलते हैं आप? कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर। ओके कोर्ट कोर्ट ऑर्डर का दूसरा रिट माने ऑर्डर और जुडिशियल ऑर्डर और दोनों से। जुडिशियल ऑर्डर। ऐसा कोर्ट ऑर्डर जो एक आदमी को देते हैं या एक बॉडी ऑफ पर्सन को देते हैं, माने कोई कंपनी को देते हैं या ग्रुप को देते हैं। कंपेल करना माने मजबूर करना, कंपेल इट टू परफॉर्म सम पब्लिक कंपनी ड्यूटी। गवर्नमेंट सर्वेंट को का आप अगर ऐसा ऑर्डर दे रहा कोर्ट कि अपनी ड्यूटी करो बोल के, तो वो वैसे ऑर्डर को क्या बोलते? मांडा मांडा बोलते मैंडमस। मस समझ आ रहा? यस ऐसा ऐसा कोर्ट ऑर्डर जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहे कि भाई अपना काम करो बोल के। अपने सुबह से लेकर शाम तक कितने ऑर्डर सर। मिलते हैं अपने को अब बोलना। ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इलेक्शन ड्यूटीज डालते ना सर, तो ये भी मैंडमस होता। नहीं, ये वो इलेक्शन कमीशन दे रहा हो काम। अगर ओके कोर्ट अगर देखो आप की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट में गए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप एक ओके जमीन ओके खरीदे, समझो आप क्या करें, एक जमीन खरीदे। अब जमीन जमीन को मार्किंग करने का काम किसका? गवर्नमेंट का। खंबे लगे हुए रहते जमीन ओके पे, सर इतनी बाउंड्री है बोल के। सर्वे करके मार्किंग गवर्नमेंट देने का काम किसका? गवर्नमेंट का। का। अब थोड़े जमीन और खरीद लेते लेकिन ना मार्किंग नहीं करते गवर्नमेंट वाले। सो कोर्ट से ऑर्डर दिलाना, उन लोगों को ऑर्डर देना कि भाई इनकी जमीन है, ऑर्डर मार्किंग करके दियो बोल के। समझ ना? तो वो ऑर्डर को क्या बोलते हैं आप? ऑर्डर मैडम ऑर्डर क्या बोलते हैं? मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या? एडिट बाय कोर्ट टू ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू कंपेल इट टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी। टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी, तो उसको बोलते हैं मैंडमस। हे क्या बोलते हैं उसको? मैंडमस। अब उसमें चार वड़ा हैं, को वारंट मतलब को वारंट का मतलब क्या है?
मैंडमस का मतलब द ऑर्डर, यस मैंडमस का मतलब क्या है? द ऑर्डर. रिट का मतलब क्या? जुडिशियल ऑर्डर कोर्ट और ऑर्डर, कोर्ट कोर्ट ऑर्डर. ऑर्डर, यस. जुडिशियल कोर्ट ऑर्डर, ऑर्डर और जुडिशियल मैंडमस का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर. ऑर्डर, यस हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या? हैव द बॉडी. टू हैव कोई द अगवा कर बॉडी, लिए, जेल में डाल दिए, यस सर, या कोई किडनैप कर लिए, तो कोर्ट से नो, ऑर्डर दिलाना है छुड़ाओ बोल के, उसको क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस. को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी. अथॉरिटी, ठीक है, को वारंटो माने बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन सी हैसियत यस से आप वो चेयर ऑक्यूपाई कर रहे. ठीक यस है, उसको बोलते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी. को वारंटो मतलब बाय बाय व्हाट व्हाट अथॉरिटी. अथॉरिटी, हेबियस बाय व्हाट कॉर्पस मतलब अथॉरिटी टू हैव द बॉडी, हैव द बॉडी. मैंडमस मतलब द द ऑर्डर. ऑर्डर, द कमांड, ऑर्डर. प्रोहिबिशन मतलब टू स्टॉप. यस टू स्टॉप, टू स्टॉप, रोक देना, प्रोहिबिट करना, इसको बोलते हैं स्टॉप. समझ आ रहा? और ये कहाँ दिया हुआ है? ये पूरे के पूरे कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल कौन नंबर सा कॉन्स्टिट्यूशनल 32. आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दो आर्टिकल में दिया हुआ है. आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम और कोर्ट, 226 226 फॉर फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट्स. ठीक है, हाई कोर्ट, ओके, समझ में आ यस गया? सर, अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देख लो. अब देखिए, को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी. नाउ अब अथॉरिटी, आप लोगों एक कैंडिडेट है. अब क्या है, रिजर्वेशंस नहीं है बल्कि उसके उन्हें जनरल कैंडिडेट है. ठीक है, उन्हें क्या करा, यस धोखे से क्या करा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना लिया. कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें है ओसी, डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, एग्जाम पास हो गया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया. लेकिन आप उसको जानते. ठीक है, अब आपको आपको मालूम हुआ कि उन्हें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा के जॉब हासिल करा, तो आप क्या करते, यस कोर्ट में जाते. कोर्ट में बोलते इन्हें, इसको इसके सर्टिफिकेट चेक करो, इन्हें है नहीं है, मेरे को ऐसा शक है कि इन्हें बराबर वो ग्रुप का नहीं होता बोल के. तो कोर्ट क्या इशू करता है? एक रिट इशू करता. कौन सा रिट इशू करता? को वारंटो, वारंटो, के भाई इसके पूरे सर्टिफिकेट हम चेक करो, उन्हें कौन से अथॉरिटी से बैठा बोल के. उधर भाई यस सर, व्हाट अथॉरिटी, जी सर, अगर कोई धोखा देके या सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट लगा के अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिए, तो उसको बोलते हैं, को वारंट, उसको चेक कराने से, चेक कराने के लिए कोर्ट जो ऑर्डर इश्यू करता है उसको बोलते हैं को वारंट. ठीक है, यस सर, यस और नो? चलिए यस सर, यस सर, मूव ऑन यस नेक्स्ट. सर, मैंडमस यस माने द ऑर्डर. सर, सर, जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 448 आर्टिकल्स है ना, तो इतने पूरे आना हम लोग कौन को बोले 448 आर्टिकल से बोल दिया? गूगल, हमेशा गूगल की नहीं समझना, अपन ये गूगल ही बंदा रहे. देखो, फिर कितने आना आर्टिकल्स हम लोगों को, पहले तो कितने आर्टिकल्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा, पूरे कितने हैं कितने आर्टिकल्स है? टोटल, नाइन देखो, फाइव, पूरे बहुत सारे, आर्टिकल्स 395, कितने हैं अपने पास? 395, 295. अगर सब सब आर्टिकल्स बनाए तो 400 448 के ऊपर होते. अगर क्वेश्चन आया कितने आर्टिकल्स है अपने पास,
ये भी क्वेश्चन नहीं है, कितने आर्टिकल्स है? 395 395। 395 अगर सब आर्टिकल्स को मिलाए तो 448 होते, ठीक है। और नारा ओके यस और नो? यस सर। तो अब आपका क्वेश्चन पे आएंगे। 448, ये 448 आर्टिकल्स बोल के दिखा रहा ना, तो ये कौन से आर्टिकल्स है सर? सब आर्टिकल्स जैसा 394 है, समझिए 394 के हाँ अंडर 394 कैपिटल ए आता। ओके 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 अगर ऐसा सब आर्टिकल्स मिला है तो 448। ओरिजिनल ओके कितने ओके थ्री है विदाउट एनी सब आर्टिकल? नाइन्टी फाइव 395। ये बहुत ही क्लियर, याद रखो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पे ओके आएंगे। आप क्या पूछे क्वेश्चन? पूरे आर्टिकल्स पूरे पढ़ना क्या? आर्टिकल्स याद रहना क्या? नहीं जरूरी नहीं है, ना ही अपन एडवोकेट। अपन देखो ग्रुप्स पढ़ रहे अपन, अगर आप कौन से ग्रुप्स के लॉ सेट किया ग्रुप्स ग्रुप्स है तो अपने को लॉयर नहीं बनना है, ठीक है। हमें सिर्फ नॉलेज रखना है बस, उतना ही। जो लॉ सेट पढ़ रहे उन लोगों के लिए भी पूरा याद रखना नहीं है, उन भाई बने नहीं एडवोकेट। जब बन जाते ना, जब LLB पढ़ते ना, जब याद रखना रहता। सो कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेते आप लोग? हाँ कर लेती। बता दूंगा अभी, उसमें बाद में बताना। बिच कर लेते हैं। विच आर्टिकल्स आर बता दो इंपॉर्टेंट? सर, बता दो सर। बिच ठीक बैकवर्ड से स्टार्ट करो। 393। है। 393 शॉर्ट टाइटल 393 शॉर्ट टाइटल। टाइटल 393 शॉर्ट टाइटल। यस। ओके 371 से लेके 370J तक। 371 370 स्पेशल प्रोविजंस महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्या है 371? स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र। एंड गुजरात 370 क्या है? टेम्पररी टेम्पररी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ तो जम्मू एंड कश्मीर। 370 मतलब कौन सा स्टेट है? जम्मू जम्मू एंड एंड कश्मीर। कश्मीर। ओ 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात 371 कैपिटल ए। स्पेशल प्रोविजन विद नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड 37 कैपिटल बी। सर स्क्रीन हेलो आसाम। आगे 371 कैपिटल बी क्या है? आसाम आसाम D स्पेशल प्रोविजन सेवेंटी वन फॉर कैपिटल आसाम। सी। मणिपुर 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 कैपिटल डी। आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश अरुणाचल और प्रदेश स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना। और एम नहीं हो, यस और जो दिमाग में वो नहीं पढ़ना है अपने को, जो पेपर पे वो पढ़ना है। ओके आंध्र ओके। प्रदेश स्टेट और ऑफ, और स्टेट ऑफ तेलंगाना तेलंगाना। स्टेट ऑफ तेलंगाना। और दिया हुआ है बहुत ही क्लियरली बोलूं, देखे कंफ्यूज करता हूं मैं। और स्टेट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट 371 कैपिटल ई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एपी आंध्र प्रदेश। सेंट्रल आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी HCU आंध्र प्रदेश। हैदराबाद यस सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल HCU। यूनिवर्सिटी 371 कैपिटल एफ स्टेट ऑफ सिक्किम स्पेशल सिक्किम। प्रोविजन फॉर कैपिटल जी स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम। एच
स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द अरुणाचल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश आई स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटका, जे स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका। कर्नाटका तो क्या है 370। पहला कौन सा आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है? जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। पहला पहला 393 क्या है? थ्री शॉर्ट नाइनटी टाइटल, थ्री शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाइटल। इंडिया जो बोल रहे हैं ना उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थ्री सेवेंटी से लेके 371 जे तक पूरे इंपॉर्टेंट है। ओके okay. नेक्स्ट 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 356 स्टेट स्टेट इमरजेंसी। थ्री इमरजेंसी। सिक्सटी फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी। बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी 352 क्या है? नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी, इसको 352 का नॉर्मल क्या है? नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। 356 स्टेट इमरजेंसी। नॉर्मली क्या मैं बुलाते, क्वेश्चन कैसा आता? स्टेट इमरजेंसी कौन से फिर आर्टिकल से में याद है? हो गया आर्टिकल 356 वाला। बोलो प्रेसिडेंट प्रोविजन। तो 356 प्रेसिडेंट रूल, यस सर। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस सर। कितने इमरजेंसियां हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? 352। 352 356 कौन से कौन कौन से आर्टिकल में आती है? स्टेट इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट 356 स्टेट इमरजेंसी को और एक नाम क्या है? प्रेसिडेंट रूल। रूल, प्रेसिडेंट रूल। तेलंगाना का गवर्नर कौन है? कृष्ण, राधा कृष्ण, राधन कृष्ण, सीपी राधा कृष्णन। राधा कृष्ण। याद है या पढ़े? कल तक कौन थे? तेलसिंग, लेडी वो सौंदर सौंदर्या। तो ना बीजेपी में चले गए फिर से, तो एक नया गवर्नर आ राजन, गया सीपी राधा कृष्ण। कौन अमीली है? साई। अमिल साई थे उन। कौन आ गया? यस दिस सर। वाज इंपॉर्टेंट। तो कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अभी तक? 393, 371, 371J, 352, 356, 360। 360, 343, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 345 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ओके ठीक पहले आर्टिकल हम पढ़ लो फिर अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे। तो आर्टिकल सी नहीं हुआ फिर अमेंडमेंट में जा रहे आप लोग। 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। थ्री स्टेट फोर्टी थ्री ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। यस 340 338 338 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 स्टेट्यूट। कैपिटल है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब SCST, 338 कैपिटल भी। BC बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास नेशनल कमीशन थ्री फॉर थर्टी बैकवर्ड एट क्लासेस। तो 338 बी 338 किसके लिए है? नेशनल कमीशन फॉर नेशनल
कैपिटल ए किसके लिए है? थ्री शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, बैकवर्ड थर्टी कैपिटल बी किसके लिए है? बैकवर्ड क्लास, क्लास। 342 कैपिटल ए। अच्छा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। है लिखेगा सोशली एंड एजुकेशनली एजुकेशनली बैकवर्ड। बैकवर्ड 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 जो क्लासेस। जहन में है वो पढ़ना नहीं है, जो पेपर में है वो पढ़ना है। मीनिंग हम बदल जाते, समझा ना? अच्छा ओके दूसरा आर्टिकल जाएंगे। एंग्लो यस सर, इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन को कौन से अमेंडमेंट से निकाल दिया नॉमिनेशन? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल 2019। अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब वो एंग्लो इंडियंस कहाँ लिखे हुआ था एंग्लो इंडियंस रहना बोल के? आर्टिकल 336। 333 में था। अच्छा आर्टिकल 331 था एंग्लो इंडियंस इन द हाउस ऑफ पीपल। 333 पीपल, स्टेट असेंबलीज में। अब वो है क्या प्रोविजन? ओके, नहीं नो। है। टू अब निकाल दिए। कब से निकाल थाउजेंड दिए? कौन नाइनटीन में निकाले 104। सा अमेंडमेंट से निकाले? तो क्वेश्चन पूछ सकता, अपने पास एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे एक जमाने में, कौन से आर्टिकल के थ्रू करते थे? 331। 331। 331 हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभा, असेंबलीज में। 333 333 आर्टिकल, 333 समझा? ये क्या है सर? फिर ये 336 वाला है सो, वो भी एंग्लो इंडियंस रिलेटेड ही दिख रहा है। स्पेशल प्रोविजन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विस इंपॉर्टेंट। पूरा पढ़ना नहीं है अपना। 331, 333 दो इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट के लिए 331, असेंबलीज के लिए 333। ठीक है, यस और नो? सर ये, यस सर, आर्टिकल्स और आईपीसी एक ही छे सर। वो अलग है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अलग है, वो अलग दुकान। क्रिमिनल लॉ आईपीसी बोलते, ये ओके कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, नहीं अच्छा, हम लोग को आईपीसी भी पढ़ना है ग्रुप्स के लिए। वो नहीं पढ़ा नो, था मैं। वो नया करंट अफेयर्स में आता। आईपी नया आईपीसी का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता बोलते, बीएनएस बोलते। नया आईपीसी का नाम बीएनएस, वो पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब ओके इलेक्शंस 324 इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 324, थ्री आर्टिकल नंबर 324 ट्वेंटी फोर बस कितना याद रखो, काफी है। और एडल्ट फ्रेंचाइज माने जो रोबोट डालने का हक है, कौन से आर्टिकल से मिला आपने को? 325। 325। और पूरा इलेक्शंस को मॉनिटर करने वाले कौन? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? 324, आर्टिकल 324। अब कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन है सदन? रोज सूरत दिखती है अब 1-1.5 महीने तक। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो और इधर तक पढ़िए, चंद्रचूड़ इज द सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सो बाय दिस वी कंप्लीट अवर टुडेज क्लास। ठीक है, तो टुमारो विल स्टार्ट, सुबह में है या आफ्टरनून में है, आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। ठीक है, ओके विल मीट टुमारो अगेन इधर इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून। आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ। ये पूरे नोट डाउन कर लीजिए, ओके दिस ये वीडियो क्या है, आई विल अपलोड इन द यूट्यूब, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए कल होमवर्क के बारे में ओके पूछा। सर, थैंक यू। चलिए।